पाकिस्तान में अभी सियासी बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि अब वहां की सेना में दरार पड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि जो काम भारत भी नहीं कर सकता था वो तो खुद इमरान खान कर गए। इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को दो हिस्सों में बांट दिया है। इमरान खान की सरकार गिरते ही पाकिस्तानी फौज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरान के करीबी पूर्व मंत्री सरकार गिराने के लिए सीधे सीधे फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालत तो ये हो गई है कि देश और विदेश में मौजूद इमरान खान की पार्टी के सोशल मीडिया सेल फौज को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज में अब बंटवारा सीधा नजर आने लगा है। पाकिस्तानी फौज का एक हिस्सा पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ है और उन्हें अगला आर्मी चीफ बनते देखना चाहता है। आपको बता दें कि फैज हमीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के दूसरे हिस्से पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कब्जा है। पाकिस्तान के इतिहास में फौज की जितनी जग हसाई इमरान खान के दौर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए गए थे। तब फैज हमीद आईएसआई के चीफ थे और वो जनरल बाजवा को बिना बताए अफगानिस्तान चले गए। बाद में फैज हमीद ने बताया कि वो इमरान खान को बताकर गए थे, जिससे ये साबित होता है कि वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कुछ नहीं समझते। आपको यहां ये भी बता दें कि पाकिस्तानी फौज में भारत को लेकर भी एक बड़ा बंटवारा नजर आता है। जनरल बाजवा हमेशा से ही जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद ही खस्ता हालत में है। इमरान खान के दौर में मुल्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। बाजवा जानते हैं कि पाकिस्तान ना तो भारत से कोई जंग अफोर्ड कर सकता है और ना ही रोज रोज की गोलाबारी, लेकिन भारत ये दोनों ही चीजें आसानी से अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए बाजवा ने भारत से दोस्ती और ट्रेड पर जोर दिया, लेकिन इसके विपरीत जनरल फैज हमीद भारत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। फैज हमीद के कहने पर ही इमरान खान ने भारत विरोधी सियासत का फार्मूला अपनाया। बहरहाल आपको बता दें कि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम फौज और बाजवा को जमकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी फौज ने भी अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान की सोशल मीडिया टीम पर जबरदस्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सोशल मीडिया चीफ समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी फौज में दरार इतनी बढ़ गई है कि अब जनरल बाजवा को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा है। हाल ही में जनरल बाजवा ने रिटायर्ड फौजी अफसरों के साथ एक मुलाकात की। इनमें से ज्यादातर लोग इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक हैं और फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़े हुए हैं। बाजवा ने इन लोगों से कहा है कि हमने इमरान खान को हर सुविधा और मौका दिया, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.